हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सतीश का फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान शिक्षा बोर्ड से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, यह खबर राजस्थान के विद्यार्थियों के दिलों को सुकून देने वाली होगी। दोस्तों, गुजारिश करता हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी अपडेट्स आप मिस न कर पाएं। और दोस्तों, यह वीडियो आप स्टूडेंट्स को शेयर करना न भूलें। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी के परिदृश्य को देखते हुए इस वर्ष उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराई जाएगी तथा सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ कि यह निर्णय लेने से पहले सरकार ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एवं विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रमोट किया था। मतलब वह अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, मगर उनके एग्जाम कोरोना महामारी ठीक होने के बाद एग्जाम लिए जाने वाले थे, मगर अब स्थायी रूप से यूजी एवं पीजी के विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, उच्च शिक्षा सचिव श्रीमती सुचि शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त श्री महेंद्र सिंह समेत अनेक उच्च अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। दोस्तों, मैं उन विद्यार्थियों को और छात्र संघ अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विद्यार्थियों के हित के लिए यह लड़ाई लड़ी, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और धरना प्रदर्शन किया, जिससे राज्य सरकार को विवश होकर यूजी एवं पीजी महाविद्यालयों में पेपर कैंसिल करने पड़े। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।